नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रेगिस्तान के धुरों में भर्ती तपन के साथ साथ राजनीति भी गर्मा रही है। बाड़मेर जैसलमेर में इस बार हो रहे त्रिकोणीय मुकाबले ने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। भाजपा राजस्थान में मिशन 25 की हैट्रिक लगाने की सोच रही है, लेकिन शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक कर बीजेपी की राह में रोड़ा बन गए हैं। बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी पर दाव खेला है, तो वही कांग्रेस ने आरएलपी छोड़ कांग्रेस में आए उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय मैदान में हैं। तीनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के बेनीवाल और रविंद्र सिंह की नामांकन सभा में भीड़ देखने को मिली, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेता अभी भी मोदी के सहारे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी हर हाल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वहीं इसके चलते आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जैसलमेर आ रहे हैं। उनका शाम 6 बजे जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शर्मा भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर बीजेपी को फिर से मुकाबले में लाने का गुरुमंत्र देंगे, लेकिन सवाल ये बचता है कि मामले में पिछड़ चुकी भाजपा को मुख्यमंत्री भजन लाल का गुरुमंत्र फिर से मुकाबले में ला पाएगा। इधर 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस को रविंद्र के रूप में संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर का कहना है कि रविंद्र सिंह बीजेपी विचारधारा का ही है। देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पर अच्छी, बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी के लगातार 10 साल तक सांसद थे। उन 10 साल तक जो सांसद जो थे वो उनकी सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं। बाड़मेर जैसलमेर पिछड़ गया है विगत 10 सालों में। इन 10 सालों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम पिछड़े हैं रेलवे में। इसके साथ साथ ही जैसलमेर बाड़मेर को जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने दिखाए, जो बड़ी बड़ी बातें की, वो कहीं भी धरातल पर नहीं है। आज अगर गौर करें तो जैसलमेर बाड़मेर के लोग पलायन करने को मजबूर हैं बेरोजगारी की वजह से। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, सिर्फ लोगों को सपने दिखाए गए, झूठ बोला गया। और दोनों सांसद, चाहे वो जोधपुर के सांसद हो जो जिनके फोकल क्षेत्र लगता है, और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद हो, उन दोनों सांसदों की 10 साल के बाद भी एक भी उपलब्धि नहीं है जिसको वो गिना सके ये 10 सालों की हमारी उपलब्धि। वो कभी नरेगा को और अन्य योजनाओं के बारे में अपना आंकड़ा दिखाते हैं। उनसे कहिए कि एक बार वो चीज़ बताए जिन्हें वो जो ने करनी थी। 2009 में जब हरीश चौधरी जी सांसद थे तो उस समय उन्होंने कांग्रेस सरकार जो थी यूपीए की, उसमें जैसलमेर से अहमदाबाद को जोड़ने वाली जैसलमेर से भाभरा रेल लाइन का पैसा स्वीकृत करा दिया था, जो 2 चरणों में पैसा भी स्वीकृत हो गया था, लेकिन विगत 10 सालों में उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। इस कारण जैसलमेर पिछड़ गया, इस कारण बाड़मेर पिछड़ गया। रविंद्र सिंह के मैदान में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीता था, इस बार भी ताल ठोक रखी, तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी रविंद्र सिंह? देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, वो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए वो कतई चुनौती नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही उनके समर्थक हैं। इसलिए कांग्रेस को तो इस समय मतलब अपनी मेहनत से काम करके हम सभी लोग कांग्रेस को पार्टी को जिताएंगे और उनके खड़े होने का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी को। उल्टा भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है क्योंकि उसके अधिकतर मतदाता जो है वो उस तरफ चले गए, तो वो सभी वोट बीजेपी के ही ले रहे हैं। कांग्रेस फ्रंट फुट पर है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने जाट प्रत्याशियों को टिकट देकर उन पर दाव खेला है। रविंद्र समर्थकों का कहना है कि बीजेपी रेस से बाहर है, मुकाबला कांग्रेस और बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह के बीच में है। सबसे पहली बात तो ये जो खेल बिगाड़ने की है, रविंद्र सिंह कोई खेल नहीं बिगाड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पार्टी कार्य करने वाली है। हमारा जो नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और हम जो लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जैसलमेर और बाड़मेर और बालोतरा की जो जनता है वो विकास को देख के वोट दे रही है, मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है। जैसलमेर के जो जनता है लोग राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसको देख कर वोट दे रही है, जो धारा 370 हटी है उसको देख कर दे रही है। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड है या रेलवे लाइन है, जैसलमेर के जो रेलवे स्टेशन आप देखो
बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, तो लोग जनता है वो इसके लिए नाम मतलब वोट दे रहे हैं। इसमें खेल कोई किसी को नहीं बिगाड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। कैलाश चौधरी कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। लोगों की भावना है, ये जो सोशल मीडिया का जो फंडा है, सोशल मीडिया से कोई फंडा नहीं होता है। एक्चुअल में लोग जनता जब अंदर जाती है तो अंदर अंतर आत्मा से देख के विकास के नाम पर वोट देखती है और उसमें जाद में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वो अपना वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी।